वाला सुसाइड कॉन्टेस्ट खुल चुका है। बम्पर प्राइस जीतने के लिए जल्दी एसएमएस कीजिए, ए हार्ट टूटने के लिए, बी पैर टूटने के लिए और सी मरने के लिए। जी सर, मैं यही हूँ। आत्महत्या की कोशिश है, फायर ब्रिगेड आती ही होगी। जी सर। मैडम, मैं सॉफ्ट पुलिस वाला हूँ। एक काम करो, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं बचा लूंगा आपको। मेरी बात मानो, कॉन्फिडेंस रखो। मुझे तुम्हारी आवाज में ही कॉन्फिडेंस कम लग रहा है। हाथ देने के बाद जान से हाथ तो बैठी। तो आप यहाँ 2 घंटे से खड़ी हैं, और खड़ी रही तो थक कर गिर जाएंगी। मुझ पर भरोसा रखो, हाथ पकड़ लो ना। नहीं, तुम जिंदा रहना चाहती हो या नहीं? मुझे बेफिजूल की बातें करने की आदत नहीं है, लेकिन हाथ धोकर आओ। हाथ तुम्हें धोने के बाद भी नहीं धोता हूँ। अभी तक हमारे पास 10,000 से भी ज्यादा एसएमएस आ चुके हैं। इतना बड़ा रिस्पांस हमें आज तक नहीं मिला, लेकिन अभी तक कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया है। वो देख, 18वें माले पे। चलिए पीछे हटिए, ये क्या तमाशा लगा के रखा आपने? मामला क्या है? वो सुसाइड करने के लिए वहाँ चढ़ी थी, पर ना तो उसमें कूदने की हिम्मत है और ना ही वापस अंदर जाने का हौसला। 3 घंटे से वहीं पर खड़ी है। आप लोग उसे खिड़की से हाथ डालकर खींच लो। हमारी शक्ल देखकर उसे कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है कि हम उसे बचा लेंगे। हम सब ट्राई कर चुके हैं, आप चाहो तो आप भी करके देख लो। मुझे नहीं लगता वहां तक सीढ़ी पहुंचेगी। मैं ऊपर जाता हूं। हिलो मत। आप लोग यहाँ आइए। सर वो डरिए मत, आप वहां जाइए। ये म्यूजियम क्यों बना रखा है? जब सर को इमरजेंसी के लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ निशानी जरूर लेकर आते हैं। वो नारायण कंस्ट्रक्शन केस का क्या हुआ? तेरी वार्निंग के बाद से उसने सब कुछ बंद कर दिया। अच्छा, मैंने सुना है कल वाली इमरजेंसी बड़ी रोमांटिक थी। कई लोगों के कहने के बावजूद वो लड़की 3 घंटे अंदर नहीं आई और तुम्हें देखते ही अपना हाथ तुम्हें दे दिया। सारे शहर में इस बात के खूब चर्चे हो रहे हैं। वो लड़की वहां पर सुसाइड करने के लिए चढ़ी थी, लोग उस एक्सीडेंट में भी रोमांस का इंसिडेंट ढूंढ रहे हैं। वो खूबसूरत लड़की ऊपर सुसाइड करने चढ़ी थी, इसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं? हमने
70% ऑफ से जो ड्रेस खरीदी थी तुझे वो पहननी चाहिए थी, ऐसा क्या? हेलो। हाय सोनाली। हाय श्वेता, बोल बोल। आज के पेपर में तेरी फोटो आई है। अच्छा, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे टुमारो टाइम्स वाली देख, उसमें मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। वो मैं बाद में देख लूंगी, पहले ये सुन कि मैंने फोन क्यों किया। पहले तो फोटो देख, उसके बाद ही मैं सुनूंगी कि तूने फोन क्यों किया। इसे भी लगा दे। डैडी ने बुलाया है। डैडी, आ गई पूरे शहर में हमारी नाक कटवाने वाली। तुमसे अच्छे तो वो किडनैपर होते हैं, पैसे मांगने के बाद कम से कम 2 दिन का टाइम तो देते हैं। क्या इस तरह से घूर क्या रही हो, खा जाओगी क्या मुझे? ये लो, ये रहे 2 लाख रुपए। अब चाहे इन्हें इस्तेमाल करो या पेट्रोल डालकर आग लगा दो, जाओ यहां से। बेटी दिव्या, अगर तुम जिंदगी में कुछ करना चाहती हो तो मेरी बेटी का साथ छोड़ दो। नहीं तो तुम भी इसके जैसी ही बन जाओगी। तेरे सुसाइड के ड्रामे से लगा तुझे छोटी रकम चाहिए होगी, 2 लाख का क्या करेगी तू? चल मैं बताती हूँ। तू मुझे हॉस्पिटल क्यों लाई है? बदन दर्द है? अरे नहीं यार, तो लूज मोशन है। डॉक्टर आ गए, ग्राउंड पे गए हैं। देखो वो आ गई, देखो वो आ गई। कब तक आएंगे वो? बस आते ही होंगे। ओके, हाय। नमस्ते दीदी। इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तूने इनके लिए खतरा मोल लिया? अच्छा, तो आ गई। हेलो डॉक्टर। हेलो, हाथ कैसा है? दबाओ तो दुखता है। तो दबाओ मत। ये लीजिए पूरे 2 लाख रुपए कैश। गिन लो, कम तो नहीं है। ये क्या डॉक्टर सर, इन गरीब अनाथों के लिए ये अपनी जान खतरे में डालकर पैसे लाई है? अगर 3-4 हजार कम हुए तो हॉस्पिटल का दिवाला नहीं निकलेगा। एक बात बताओ, इसने तुम्हें क्या बताया कि 2 लाख रुपए इन्हें दान में देने आई है? गई काम से। 10 दिन पहले इसने इसे कार से उड़ाया और बोल कर गई कि 10 मिनट में आती हूँ, और आ जा रही है। और वो भी तब जब स्टाफ के किसी आदमी ने इसे पहचान लिया और इसकी कार छीन ली। इस व्हील चेयर के अलावा इसने कुछ नहीं दिया। मैं आगे नहीं बैठूंगी। तेरी मर्जी। मेरी धन्नों के नीचे किसी गधे को आने से बचाना। अरे गधा है क्या? लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है। दुखी होने से ज्यादा इस बात का शौक है कि रंगनाथ ने अपुन की पीठ पर चढ़ा खोपा, क्योंकि उससे ज्यादा बिलीफ आई शपथ अपुन किसी पे नहीं करता था। जब उसको बहुत जरूरत पड़ती तभी वो अपना मुंह खोलता था। उसकी खामोशी के पीछे का सन्नाटा अत्ताम चट्टों का पड़ा है। अमचे सारे क्रिमिनल्स फक्त हथियारों पे भरोसा करते हैं, इंसानों पर नहीं। हाँ, एक तो परत फूप चला है। मानुष अगर एक्सीडेंट में मारा जाए तो कहते हैं कि उसकी किस्मत में लिखा था। मानुष अगर रोग से मरे, देवापन मनताद की किस्मत में यही लिखा था। पर अगर इंसान अपुन के हाथों से मरे तो कहते हैं कि ऐसा अंत किसी मानुष का ना हो। अब अपुन की सबसे बड़ी इच्छा है कि जिसने अपुन के साथ धोखा किया है अपुन उसको पकड़े, और तुम हरामखोरों की इच्छा है कि तुम लोग जिंदा रहो। दोनों की इच्छा कशी पूरी हुई। हमें सच में नहीं पता कि वो कहाँ है भाई। अगर अपुन कुछ पूछे और उसका जवाब ना और नक्को में मिले, आइचा शहरात सुलग जाती अपुन की। लास्ट टाइम अपुन विचार तो बता दे वो किधर छुपा हुआ है। आइचा खो तो जा, या चाहे फोटो सगड़े मीडिया वाला ने दिया, अखबारों में फोटो देख कर वो बाहर आएगा। यहाँ भी नहीं है। ओए,
पागल है क्या? देख क्या रहा है, चल निकल। लड़कियों को BMW वाले के पीछे भागते हुए देखा है। ये पहली लड़की है जो सीडी बम्बा वाले के पीछे भाग रही है। लगता है उसमें बहुत आग है। वो वैसे मुझे बेफिजूल की बातें करने की आदत नहीं है, लेकिन कल तुमने मेरी जान बचाई थी ना, इसलिए तुमसे कुछ कहना चाहती थी। यू आर वेलकम। हाँ, याद आया, अब याद आया। थैंक यू सो मच। सोनाली पड़ेगी तुझे गाली। कल जो हेल्प की उसके लिए ट्रीट, तो मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे? थैंक्स, एक बज गया, मुझे जाना होगा। प्लीज सिर्फ एक कॉफी। हाँ प्लीज। नो। वैसे मेरे पास भी टाइम नहीं, लेकिन जान बचाई इसलिए पूछा। इतना मस्का क्यों लगवा रहे हो? तुम अगर हैंडसम हो तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। कॉलेज के लड़कों ने मेरे नाम के टैटू बनवाए हैं। बाहर में जाओ, दिखने में कितना गंदा लगता है। कॉफी पीने चले? अब मेरे पास टाइम नहीं है। तुम तो पीना चाहती थी। मेरा मूड चला गया। शाम को मिले? शाम को मेरी मीटिंग है। रात को मैं बिजी रहती हूँ। ऐसा कौन सा काम करती हो जो आधी रात को भी बिजी रहती हो? हाँ, मेरा दिन शुरू होता है सुबह 9 बजे कॉलेज से, और फिर दोपहर को 1 बजे कैंटीन, और 3 बजे कंप्यूटर क्लासेस। 5 बजे से पहले घर आ जाती हूँ, और फिर इंटरनेट पर चैटिंग करती हूँ, फिर पूरी रात पढ़ाई भी करनी पड़ती है। उसने क्या बोला? रात को घर पे बुलाया है। फेंको। अरे अरे दिमाग वो नहीं है, पागल। सुबह 9 बजे मैं कॉलेज जाती हूँ, कहीं उसने देख तो नहीं लिया। आज डाइटिंग नहीं, दोपहर को 1 बजे कैंटीन। सोनाली फायर ब्रिगेड आली। क्या लिखा था उसपे? मैंने लिखा 5 बजे आना, फायर ब्रिगेड मत लाना।